नमस्ते नमस्ते आप सबको। नमस्ते, आवाज आ रहा है आप सबको? जी भाई, ओके। तो मेरा कल एक केस था, कल हमने एक प्रेजेंट किया था जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाया। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो काफी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके चलते मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाया। तो मैं अभी वो केस को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये केस मेरे बेटे का है, और मेरा बेटा जो है वो 3 दिन से बीमार चल रहा था, और हाई ग्रेड फीवर था, 104 डिग्री फीवर चल रहा था। पूरा रात पूरा दिन फीवर था, पूरा डल हो चुका था, सुस्त हो चुका था। उसके बाद भी वो खेल रहा था, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा बिस्तर में नहीं रह रहा था। तो मैं घर पे नहीं था, तो हमारी वाइफ जो है उन्होंने फर्स्ट में उनको बेलाडोना दिया था, क्योंकि बेलाडोना से उसको पहले भी फीवर में आराम आ जाता था। तो उन्होंने पहले बेलाडोना दिया, जब बेलाडोना से नहीं हुआ तो फिर उन्होंने खुद से लेकेसिस दिया, जिससे जिससे उनको पहले राहत मिल रहा था फीवर में, तो वो सब मेडिसिन उन्होंने खुद से दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं देखा कि ये फीवर है, और फिर मैं इनका केस लिया। तो सबसे पहले मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया कि मुझे बात करा दो बेटे से, मेरा बेटा 3 साल का है। तो मैं बोला बात करा दो, तो उन्होंने मुझसे बात करना ही नहीं पसंद किया। पहले वो बात करता था, लेकिन इस फीवर के दौरान मेरे से बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने करीब फर्स्ट डे ट्राई किया, सेकेंड डे ट्राई किया, बट मेरे से वो बात ही नहीं कर रहा था कि नहीं, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। तो मतलब ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं उसके जो भी उसका एडिप्टेशन था उससे मैं मेडिसिन उन्होंने दिया। तो मैंने उसको सबसे बोला, क्योंकि वो बहुत बार बार पानी पी रहा था, और थोड़े थोड़े देर में बार बार पानी पी रहा था, और बार बार वो ठंडा पानी पीने के लिए मांग रहा था। तो यहाँ से मुझे फास्फोरस की फीलिंग आ रही थी, तो मैंने उसको फास्फोरस देने को बोला था। लेकिन बट फास्फोरस से भी कोई आराम नहीं। मैं वीकली घर जाता हूँ, तो फिर मुझे लगा कि फिर मुझे घर जाना चाहिए। तो फिर वो ठीक है, अभी एक और मेडिसिन देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आता हूँ। मैं घर से 50 किलोमीटर दूर में रहता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोच के, वास्तव में हुआ क्या है, तो हुआ क्या था, ये जो सिचुएशन था, सिचुएशन ये था कि मैं उसके फीवर के जस्ट पहले मैं घर से आया, मैं घर से आया और उसके बाद वो फीवर हुआ था। तो उसके पहले क्या हुआ था कि रामनवमी का फेस्टिवल चल रहा था, तो रामनवमी के दिन हम लोग जो भी हम लोगों का पूजा करना रहता है हमने किया, और उसके बाद शाम में हम लोग जुलूस में गए, वहां पर मेला लगता है, वहां मेला को अटेंड किए पूरे फैमिली के साथ। तो उसने आइसक्रीम खाए और गन्ने का जूस वगैरह पिया। मैंने उसको जो भी मेला में एंजॉय करना था उसको मैंने सारा करवाया। लेकिन इसके पहले दिन क्या हो रहा था कि वो काफी जिद्दी बहुत ज्यादा कर रहा था, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जिद्दी कर रहा था कि मुझे ये चीजें चाहिए तो आप चाहिए, तो ऐसा कर रहा था वो। और उसने मेले में भी मैंने ये चीज देखा कि वो दो चीजें उसको नुकसान कर सकती है, वैसी चीजों के वो डिमांड कर रहा था, और वो मैं उसके लिए सोच रहा था कि अगर वो ना ले तो बढ़िया रहेगा, बट उसने जीत करके वो सारी चीजें ली। तो फिर क्या हुआ कि घर आए हम लोग, तो
सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो बढ़िया था, लेकिन हुआ क्या कि सुबह में उसने फिर अपने जो भी खिलौने थे, उसने जो लिए थे वो सारे मतलब तोड़ दिए, मतलब उन्होंने सही से नहीं रखा, और उन खिलौनों को भी उन्होंने गुस्से में फेंक दिया। तो मुझे ये चीज जो है तो लगा कि यार ये बच्चा जो है तो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको डांटा। तो डांटा तो दो तीन छड़ी से मैंने उनको लगाया था कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गुरुजी का कहना है कि बच्चों को आप जितना डांटते हो ना उससे ज्यादा प्यार करना करो, तो फिर उसका डांट का असर नहीं होगा। तो फिर उसको डांटने का मैं उसको प्यार किया, मतलब उसको फिर मैं उसके साथ खेला थोड़ी देर और उसको फिर प्यार से समझाया, तो फिर वो समझ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 10 o'clock हो चुका था और मुझे क्लिनिक के लिए निकलना था, तो मैं निकलने लगा तो वो बच्चा जो है बोला कि पापा मैं भी क्लिनिक जाऊंगा। मैं बोला बेटा आप 3 साल के हो, आप क्लिनिक जाओगे तो मैं कैसे वहां आपको संभालूंगा, तो आप जब 5 साल के हो जाओगे तो फिर मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि मैं 7 days फिर अभी आपको मैं छोड़ने के लिए आ नहीं सकता है ना, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप अभी छोटे हो तो अभी आपको मैं मैनेज वहां नहीं कर पाऊंगा। बट वो बहुत ज्यादा रोने लगा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मुझे भी लगा यार अब इसको कैसे मैं बताऊं कि मुझे वहां जाने के बाद फिर ये बोलेगा कि आप मुझे छोड़ने, मैं कैसे ये सब मैनेज करूंगा। तो मैं जो है तो उसी तरह निकल गया, उसको नहीं ले गया बट उसको रोते हुए छोड़ करके मैं निकल गया। तो क्या हुआ कि मैं निकल गया तो ये जो बेटा था मेरा वो छत पे जा करके खूब रोने लगा, खूब रोने लगा कि पापा मुझे नहीं लेके गए, पापा मुझे नहीं लेके गए, छोड़ के चले गए, मम्मी पापा मुझे लेके नहीं गए, ऐसे करके वो खूब रोने लगा। और उसके बाद मैंने जस्ट 1 घंटे बाद कॉल किया कि मुझे बेटे से बात कराओ, अब मेरा बेटे का नाम अच्युतम आर्या है तो मैं अच्युतम से बात कराओ। तो उसने सीधा बोला कि पापा मुझे बात नहीं करना है। मैं बोला बेटा आपको कुछ चाहिए क्या, मैं आपके लिए कुछ भेज दूं क्या, तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधा उसने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके जस्ट 2 बजे से उसको फीवर आ गया और हाई ग्रेड फीवर आ गया, उसने खेल तो रहा था बट फीवर वो उसको बहुत ज्यादा था, और इतना फीवर था कि वो मतलब फीवर से वो काफी हफ रहा था। तो और ये लगभग 2 दिन तक चला क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में ये क्या स्टेट है, लेकिन लास्ट में मुझे समझ में आया कि ये क्या स्टेट हो सकता है। और फिर मैंने इसी पे सोच करके लास्ट मेडिसिन दिया, तो सबसे पहले 200 में दिया तो फिर वो उससे कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने उसको 1 m में दिया, 1 m से भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको डायरेक्ट 10 m का एक डोज दिया और 1 m से फिर ये सही हो गया। और ये 1-1 घंटे में मैं देख रहा था क्योंकि एक्यूट था, मैंने 200 पोटेंसी दिया, 2 आवर वेट किया लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं डाउन हुआ, तो फिर मैंने इसको 1 m दिया, मैंने नहीं दिया अपनी वाइफ को बोला दे। तो फिर उसके बाद उससे भी 2 घंटे में कम नहीं हुआ तो फिर उसको 10 m दिया, और 10 m का जैसे डोज दिया आफ्टर 50 मिनट ये सो गया, आफ्टर 50 मिनट ये सो गया, और सुबह फिर उठा और उसके बाद से फिर इसको अभी तक फीवर नहीं आया। और वो फिर मेरे से बात भी किया, दिस म्यूजिक होम्योपैथी कि उसके उसने फिर मेरे से बात किया जो मेरे से वो बात ही नहीं कर रहा था। तो ये केस था, तो मैंने इस केस को डिस्क्लोज कर दिया है, ये इग्निशन है। और कई बार क्या होता है ना, मैं ये केस इसलिए प्रेजेंट किया क्योंकि मेरे साथ कई ऐसे एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया है कि मुझे लगता है कि वो
सबके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए कि मैंने 200 दिया था और सामने की अगर मैं मेडिसिन यहाँ चेंज कर दिया रहता तो शायद मैं उसको और दूसरे मेडिसिन बदल करके देता, नेट्रेम्यूर देता या अलग अलग मेडिसिन देता, तो शायद मैं उसको वो रिजल्ट नहीं दे पाता। मैं फिजिकल पे देख करके उसको फास्फोरस भी बोला था, बट उसने भी उसको कोई रिजल्ट नहीं दिया। तो यहाँ पर मुझे चीज समझ में कि मुझे एक चीज शेयर करना चाहिए। और इससे पहले भी मैं एक और केस शेयर किया था एक प्लेटफॉर्म पे अपनी वाइफ का, वहां भी ऐसा ही हुआ था जहां पर मुझे 201 एम पोटेंसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया और 10 एम में मुझे रिजल्ट मिला था। उस टाइम भी मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इसको एडमिट करना पड़ेगा, बट आफ्टर 10 एम की वन सिंगल डोज माई वाइफ इज क्योर। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना बताता हूँ इससे हमने कैसे सोचा। तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया था कि ये जो मेरा बच्चा है ये मेरे से नेगलेक्ट हो गया, मेरे से नेगलेक्टेड फीलिंग कर रहा है ये, और मेरे से ये हर्ट हो गया, बहुत सेंसिटिव हो गया ये। और सेकेंड चीज, मैंने इसको डांटा था तो इसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। ओवरऑल इसका एक डिसकंसर्टेड स्टेट था जहां पर इसने कंप्लीटली सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, जो चीजें रिदम में चल रहा था इसने कंप्लीटली रिदम छोड़ दिया, ये डिसकंसर्टेड हो गया, मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। तो मैंने स्टेट को सर्च करके इसको इग्निशिया दिया था। तो इसमें और भी बहुत सारे रूब्रिक आएंगे, जैसे ऑब्स्टिनेट है या और एंगर टेसिटर्निटी है, वीपिंग है, वीपिंग अलोन मेन है, डलनेस है। हाँ, और एक चीज मैं बीच में बताने भूल गया, वो मैं बता देता हूँ, इतना फीवर में भी ये डल है और बेड पे लेटा हुआ है, खेल रहा है, उसके बाद भी खेल रहा है। ठीक है, मेरी एक छोटी बेटी है 1 साल की आराध्या, तो ये बेटी जो है वो खेल रही थी बेड पे, तो ये बार बार अपनी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी देखो वो गिर जाएगी, वो साइड पे खेल रही है, वो गिर जाएगी, मम्मी आप साइड पे क्यों बैठे हो, आप गिर जाओगे। ठीक है, ऐसे वो बोल रही थी। मुझे उसका अलर्टनेस लगा कि इतना डल है, उसके बाद भी कितना अलर्ट है कि अपनी बहन की केयर भी कर रहा है और ये भी समझ रहा कि अगर वो साइड बेड के साइड में जा रही है तो वो गिर सकती है। तो वो बार बार मम्मी को बता रहा है, आवाज दे रहा है कि वो आराध्या गिर जाएगी, तो आप उसको पकड़ो। सो ये भी मैंने उस टाइम अलर्ट रूब्रिक लिया था, प्लेफुल लिया था, डलनेस हिट ड्यूरिंग एंड डिसकंसर्टिंग स्टेट। तो ये सब देख करके हमने उसको ये सब स्टेट को देख करके हमने उसको इग्निशिया सेलेक्ट किया था। तो जब हमें 200 पे नहीं मिला तो मैं फिर उसको 1 एम पे गया, 1 एम पे नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको 10 एम का एक डोज दिया, तो उसके बाद मिरेकल्स हो गया। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, खास करके मतलब अपनी फैमिली में जहां पर मुझे इस तरह का चीजें समझने को मिला है। मेरा कहना ये था कि अगर हम अगर परफेक्ट सिलेक्शन अगर कर लेते हैं और हमें उस पे 100% कंफर्म है कि यही रेमेडी है, तो हमें जल्द मेडिसिन ना चेंज करके पोटेंसी चेंज करना चाहिए। और खास करके एक्यूट केस में मैं ऐसा देखा कि आप 1 एम के ऊपर की पोटेंसी सेलेक्ट करिए। अभी हाल फिलहाल में मैं एक केस शेयर करूंगा आपसे नेक्स्ट वीक, क्योंकि उस केस में भी क्या हुआ कि एक मेरा एक पेशेंट था, सॉरी एक एक हमारे डॉक्टर्स मिस्टर हैं, उनका बेटे को कफ हो गया, तो मैंने उनको फर्स्ट मेडिसिन जब मैं केस लिया, उन्होंने वीडियो भेजा मुझे, मैं बोला कि ये मेडिसिन है आप इसको ये मेडिसिन दो, उन्होंने 200 में दिया। फिर मैं बोला कि नहीं हुआ तो आप वो खांसी बहुत ज्यादा था बार्किंग कफ का, तो मैं बोला कि आप 1 एम दो, तो 1 एम से भी नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला कि थर्ड डे मुझे फिर से वही कि सर बिल्कुल
तो कम नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, फिर मैं मेडिसिन चेंज करके और उसको बोला कि आप ये मेडिसिन दो, वो परेशान हो रहे थे। मैंने मेडिसिन चेंज करके दिया और मैं हर बार उससे वीडियो कॉल में बात किया तो बस वो सब कुछ सेम मिल रहा था, मेडिसिन चेंज कोई रिजल्ट नहीं, फिर सेकेंड मेडिसिन किया कोई रिजल्ट नहीं, 7 डेज हो गए बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। सो नेक्स्ट में मैं फिर से बोला कि नहीं, ये ओवरऑल 7 दिन में हमने जितना भी बात किया है तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो निकल के आ रही है, तो आप 10 एम दो, जो आपने फर्स्ट मेडिसिन दिया था उसी मेडिसिन का 10 एम का डोज दो। तो उसी मेडिसिन का 10 एम का डोज देने के बाद वो बच्चा का कफ 1 वीक में ही कम हो गया, 50% बेटर हो गया, और आफ्टर 2 डेज या 3 डेज कम्प्लीटली बेटर हो गया। तो पोटेंसी कितना मैटर करता है ये एक्यूट में, तो मैं आप लोगों को ये शेयर किया। आप लोगों को इसमें अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करूंगा। एक बार रूब्रिक क्या के लिए बताइए ना। रूबी बताया ना आपको, आप चार्ट खुद बना एक्चुअली लो, मैं लेट ज्वाइन हुआ, चार्ट। लेट ज्वाइन किया था तो ओके ओके, तो आप फिर वीडियो सुन लेना। ओके। ओके। एनी क्वेरी? ओके, तो मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू IHF टीम।